अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम श्रोमदीद, आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, होंगे अच्छे मुड़े होंगे। मैं आपका कसकदरत मुसाल अफगान और आप लोगों के वीडियो लेकर आए हैं। क्या वीडियो है? राजनाथ सिंह वुड हैव गिवन मोर मनी टू पाक देन आईएमएफ। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर, पता नहीं क्या बोला हुआ है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 में ही एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया, जो आज बढ़ते बढ़ते वह पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक का पहुंच गया। और यह रकम कितनी ज्यादा है इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं। किस तरह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने विनती कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराया। जो बड़े बाल अमरेश पुरी, क्यों दूरी बना कर रहे आप हमारे पड़ोसी मुल्क? और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। ये तो है, यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। दोस्तों, हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजा इस्तेमाल लंबे समय से होता चला आ रहा है। दूसरे मुल्कों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। मेरे दोस्त, दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। उस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको यह यकीन दिलाकर जाना चाहता। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है पाकिस्तान का ही हाथ मिला है। मेरे दोस्तों, मैं पूरी ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। हिंदुस्तान की हर सरकार ने बराबर पाकिस्तान को समझाया है। और आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पैदल चलकर पाकिस्तान गए, वह प्रधानमंत्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ जी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हिंदुस्तान की हर सरकार ने पाकिस्तान को समझाया है कि अपनी जमीन पर चलने वाले टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को बंद करो, मगर आज भी वह बाज नहीं आ रहा है। आज की 370 खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और बराबर वह कोशिश कर रहा है कि फिर से दहशतगर्दी का आलम इस जम्मू कश्मीर में पैदा हो। वह नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मौजूद हो। मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोगों के हौसले को देखकर मुझे पक्का यकीन है कि मेरे दोस्तों, अब यहां की जमहूरियत को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है। मेरा पक्का विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए, यह नया हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सरहद के इस तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी जाकर हम मुकाबला कर सकते हैं। आज यह हिंदुस्तान रास्ता है और जो लोग सरहद के उस पार बैठकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ और उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई, वह जहां बैठे होंगे वहां हम घुस कर मारेंगे, हम आपको विश्वास दिला देंगे। ओके, सो ये थी वीडियो। वीडियो अच्छा, ये इसका ये बंदा क्या है? होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो अमित शाह है, ये जो है वो डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, ये ऐसा कुछ पता था कि यार ये तो है कोई बड़ा होने वाला बंदा है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये तो करेगा ही ऐसी बात है, क्योंकि इसका काम ये है जो जहाँ से नुकसान मिलता है या मतलब जहाँ से भी कंट्री को थोड़ा बहुत जो है मसला हो, इशू हो, उस पर बात करेंगे। तो उन्होंने वही बात की
या फिर तो कुछ अलग ही दिया हुआ है कि हम इतने पैसे आईएमएफ से, लोग जितने पैसा उससे तो हम ज्यादा आपको दे रहे थे कुछ तरह, मेरे ख्याल से उन्होंने फंड जो है पहले ही वो किया हुआ था जिस पर उन्होंने मेरे ख्याल पहले आज मेरे ख्याल से वो ज्यादा भी हुआ है, तो इस तरह कह रहे हैं कि हम लोग उसे ज्यादा दे देते हैं अगर आप लोग इस तरह करते हैं। दूसरी बात ये भी किया है जो आप लेबर है वो कभी बदल नहीं है, तो एक रियलिटी है तो एक रिलेशन तो वो तो है। मैंने कई बार आपको वीडियो में यही बात कहता हूँ कि ये जो लेबर होते हैं ये चेंज नहीं हो सकते ना, इसको आप मतलब एक अच्छा रिलेशन बनानी होती है। एग्जैक्टली, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो ये इसके बारे में तो हम कहा बोले, लेकिन जो बात की डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर है ये, तो उन्होंने ये बात अगर की है और वो भी जम्मू एंड कश्मीर में की है तो बिल्कुल उनका एक वो है लॉजिक की बात की है कि जो आप लोग ना हम आपको दे देंगे भाई, अब हमारे साथ रिलेशंस ठीक करो, जो भी मसले है वो ठीक करो, आप लोग तो नेबर हो, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन नेबर नहीं बदलता भाई, नेबर तो नेबर ही रहता है भाई। तो ये बात की है, बाकी ये वीडियो तो सोशल परेड करेंगे, एक पता नहीं कब की वीडियो है, नई वीडियो है, अभी की है, रिसेंटली की है। बाकी वीडियो पसंद आए प्लीज लोशन फॉर रेटर्स साथ मुझे मिला अकेले हमसे भी बात है जो के लिए तो पता चल नहीं सफा मिल रहे हैं स्वामी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।